भी गारंटी के साथ। दवा प्राप्ति के लिए यहाँ अभी फोन कीजिए और बिल्कुल लागत मूल्य पर यह दवा आपके घर पहुंचा दी जाएगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी का आरोप, फिलहाल जेल में बंद है कन्हैया। लोकसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, पीएम मोदी भी बहस में ले सकते हैं हिस्सा, विपक्ष के आरोपों का भी दे सकते हैं जवाब। टैरी के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी की बड़ी मुश्किलें, यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, पीड़ित महिला को भेजे गए एसएमएस और ईमेल की जानकारी भी कोर्ट को सौंपी। राजधानी दिल्ली में दो अलग अलग जगहों पर लगी आग, आग में झुलसने से चार लोगों की मौत, सात से ज्यादा घायल। राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर तेज, रफ्तार बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी पर सवार दोनों लोगों की मौके पर मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में, आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। हमारे कार्यक्रम का मकसद आपकी भलाई, आपको नुकसान से बचाना, और ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे जीवन में हमें तीन ऐसे कर्म हैं जिनसे बचना चाहिए। वो ऐसे कर्म हैं जो हमें पतन की राह पर ले जा सकते हैं, हमारे जीवन में मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो नौ ग्रह हैं इनकी अनुकूलता को खत्म कर सकते हैं, यानी कि ये ग्रह जो है हमें कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौन से ये तीन कर्म जिनके बारे में आज जानकारी देंगे आचार्य जी, क्या कुछ बताने वाले हैं आज आप? बिल्कुल कंचन जी, ऐसे तीन कर्म हम आज आपको गिनवाने वाले हैं जो आपने कर दिए हैं या फिर भविष्य के अंदर वो कर्म आप कदापि ना करिएगा, क्योंकि इनके रहते आपके जन्मांक के ग्रह तो पीड़ित होते ही हैं, साथ ही साथ आप ऐसा कर्म कर डालते हैं जिसके द्वारा आपको तो क्षति पहुंचती ही है, साथ में जो ये कर्म करता है, जो इसके निमित्त जो ये कर्म के सामने जो व्यक्ति होता है उसको भी नुकसान होता है। तो आज बहुत सटीक जानकारी और उपायों के साथ, कारण तो हैं और निवारण भी हम आज आपको देने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें आज सम्मान में एक बहुत सटीक उपाय लेकर आए हैं कि हर महिला वो करेगी, आपसे हैं हम में, और सम्मान उनको 24 घंटे अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ, बात करेंगे लकी कॉलर से भी, आप भी बन सकते हैं लकी कॉलर। इसके लिए आपको हमें मेल करना है अपने नाम और अपना स्थान कल 2:30 PM @liveindia.tv पर। ये हमारे दोपहर के शो की मेल आईडी है। और चलिए अब हम बात करेंगे दिव्य स्तुति के बारे में। ये एक ऐसी स्तुति है जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन से जो कष्ट है वो कट जाते हैं और आप सुकून महसूस करते हैं। आज की महादिव्य स्तुति मित्रों, श्री गणेश जी के चरणों में समर्पण। भगवान श्री गणेश का आप ध्यान करिएगा, आपके कष्ट कलेश स्वतः ही मिट जाएंगे। तो आंखें मूंदिए और ध्यान करिए भगवान श्री गणेश जी का। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलम चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार भगवान श्री गणेश का स्मरण करने से, इस स्तुति को सुनने मात्र से आपके कष्ट कलेश तो कटेंगे ही, और साथ ही साथ आपके घर में यदि कोई कलह कलेश हो रही है या वैमनस्यता है, श्री गणेश जी की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी हाँ, और साथ ही साथ
सीक्रेट नंबर, एक ऐसा नंबर होता है जिसे आपको रखना होता है सीक्रेट, वो भी पूरे 24 घंटे। ऐसा करने से आपका जो है भाग्य प्रबल हो जाता है, बढ़ जाता है एकदम से, लेकिन इसको पूरे 24 घंटे अपने पास रखना होता है। ये जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं सीक्रेट नंबर की, लेकिन उससे पहले दिल्ली से विमला जुड़ी है। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। विमला जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हेलो नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ जी मैडम नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम राधे राधे पंडित जी। श्री राधे श्री राधे। अच्छा जी जी पंडित जी मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था। जी मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 16/7/1983। जी समय और टाइम है 9:35 PM दिल्ली। जी जी क्या सवाल है आप? शादी के लिए पूछना था मैडम उसकी। जी बिल्कुल देखिए दिशा में होगी, कैसी लड़की मिलेगी। जी मैं बहुत परेशान हूँ। जी बिल्कुल परेशानी आज आपकी खत्म हो चुकी है विमला जी। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कुंभ लग्न का जन्मांक और सिंह राशि के अंदर शुक्र इनके सप्तम भाव में, बृहस्पति की महादशा शुक्र की अंतरदशा, इनको आपने एक छोटा सा उपाय करवाना है। कच्चा दूध लेना है, बरगद के वृक्ष के नीचे कम से कम 7 दिन लगातार अर्पण कराइएगा, और हो सके तो उस मिट्टी का तिलक इनको अवश्य कराइएगा, और हो सके तो इनके हाथ से किसी जरूरतमंद कन्या को थोड़ा सा कोई भी सफेद मिष्ठान भेंट कराइएगा। ऐसा कम से कम 7 शुक्रवार करिएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा और विवाह का विघ्न बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको वो कर्म बताते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कर्म हैं जो आपका सौभाग्य आपसे छीन सकते हैं। पहला कर्म जो है वो यही है कि अगर आप जहां पर काम करते हैं, जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, अगर अपने वहीं के ऑनर के साथ धोखाधड़ी करते हैं, धोखा देते हैं, तो ऐसा करने से आपके कौन से ग्रह कमजोर होते हैं, क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए सबसे पहले यही बताते हैं। जी आचार्य जी बिल्कुल कंचन जी, ऐसा अक्सर हमने देखा है, आपने भी बंधुओं ऐसा देखा होगा कि जिस संस्थान जिस ऑफिस में आप काम करते हैं आप अपने मालिक के साथ कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे चीटिंग कर ही देते हैं, या फिर वाइस वर्सा हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है कि मालिक भी कभी कभी अपने कर्मचारी के साथ कुछ ना कुछ कुछ पैसे को लेके या किसी भी बात को लेके धोखा कर देते हैं। तो इन कर्मों से आपको बचना है। जन्मांक के कौन कौन से भाव और जो है ग्रह वो पीड़ित हो जाते हैं वो हम आपको बताएंगे और निवारण भी अवश्य बताएंगे। इसके निमित्त आप देखें कुंडली में दशम भाव और दशमेश जो आपका कर्म स्थान कहलाता है वो बिल्कुल पीड़ित हो जाता है, तो इस तरीके से आप कर्म बिल्कुल ना करिएगा। किसी को धोखा आपने बिल्कुल नहीं देना है, आज से ये संकल्प कर लीजिएगा। और उपाय के अंदर आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के शनिवार को दशरथ कृत शनि स्त्रोत का आपको पाठ करना है और जरूरतमंद लोगों को दवा वस्त्र और भोजन का दान करना है। बस इतना सा उपाय करिएगा, संकल्प कर लीजिएगा कि आपने आज से किसी के साथ चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में, सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत है। जी मैं आसाम से बोल रहा हूँ। प्रसन्नजीत जी आपको बधाई आज के आप लकी कॉलर बने हैं। हाँ थैंक यू जी। एक्चुअली मेरा मदर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है उनको, तो मैं 2-3 दिन पहले से ही देखना शुरू किया। तो आपको ये अच्छा लगता है ये शो? उनको बहुत अच्छा लगता है, वो हर रोज देखते हैं। अच्छा नहीं लगता ये शो? नहीं मैं 2-3 दिन से ही देख रहा हूँ, मतलब मैं नया हूँ। अच्छा आप नए हैं, अच्छा तो बताएं आप। मुझे देख के अच्छा लगा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 May 1994। जी समय और टाइम है 10:47 PM और प्लेस और बर्थ प्लेस है ग्वालपाड़ा असम। जी एक्चुअली मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं 2-3 साल से मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है, और अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब मुझे होगा या नहीं होगा। जी। और मेरा 2015 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। जी। तो मैं सोच रहा हूँ MBA करना चाहता हूँ, और पिताजी बोल रहे हैं कुछ दूसरा BEd और कुछ इस तरह का लाइन बोल रहे हैं, तो क्या करना सही होगा? जी देखिए बता दें प्रसन्नजीत, आप नए नए हैं, अब आप पुराने भी हो जाएंगे, कल आज और कल से आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। राहु में राहु की अंतरदशा और मकर लगन का आपका जन्मांक,
देखिए सूर्य बुध और केतु की युति हम आपको बता दें कि आपके पंचम भाव के अंदर है, अवश्य ही आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके लिए भरसक प्रयास भी करना है। इसके निमित्त आपको क्या करना है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा या फिर नेत्रहीन लोगों की सहायता करना आज से ही आप आरंभ कर दीजिएगा। मदद आपको करनी है तभी आपको मदद वापस मिलेगी। देखिए यहां एक उपाय आप और कर सकते हैं कि किसी तरह की आपको आने वाले समय के अंदर कोई परेशानी ना हो कि 5:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक पन्ना रत्न भी धारण करिएगा, क्योंकि आप कन्या राशि से, इसके अंदर कन्या राशि आपके जन्मांक में बनी हुई है और राशि से अष्टम भाव के अंदर स्थिति इस समय ठीक ना होने की वजह से आपको राशि को मजबूत करना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप किसी की जमीन या किसी का पैसा हड़पते हैं, इस तरह का कर्म करते हैं, तो किस तरह से आपके ग्रह आपके अगेंस्ट होकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य जी, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे बंधु होंगे, जिनकी जमीन या पैसा किसी ना किसी व्यक्ति या विशेष किसी व्यक्ति विशेष द्वारा हड़प लिया गया होगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, आपको तो ऐसा आज के बाद कभी करना ही नहीं है। अपने जहन से आज से ही ये बात निकाल लीजिएगा कि आपने कहीं किसी ना किसी व्यक्ति का कोई पैसा या जमीन हड़पनी है, इस चीज को बिल्कुल आज से ही निकाल के फेंक दीजिएगा। इसमें दूषित कौन कौन से ग्रह और भाव हो जाते हैं ये जान लीजिए आप। कुंडली में चंद्रमा, जो आपके मन का और धन का दोनों का ही कारक माना जाता है, चतुर्थ भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, यहां भूमि भवन से इसको हमने जोड़ा है, और साथ ही साथ मंगल जो कि कारक कहलाता है प्रॉपर्टी का, वो भी कहीं ना कहीं दूषित अवस्था के अंदर आपके जन्मांक में अवश्य होगा। तो ऐसे व्यक्ति से आप बचिएगा, और आपने ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि आप इस तरह की भावना आपके मन के अंदर आए। तो उपाय आप नोट करिएगा, मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्तों पर आपको राम राम लिखना है, बहुत शुद्ध भावना रखिएगा, और हनुमान जी के समक्ष बैठकर सुंदरकांड का पाठ करिएगा। बाद में इन पत्तों को श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिएगा, देखिएगा कैसे आपकी भावना शुद्ध हो जाती है और आपका जो हड़पा हुआ पैसा और धन था वो वापिस मिलेगा। जी हाँ, हर महिला पूरे 24 घंटे सम्मान हासिल करें, इसके लिए आपसे हमें कुछ खास जानकारी देंगे आपको, लेकिन कटनी से जयश्री जुड़ी हैं। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे प्रणाम। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1990। समय? समय 6 से 6:30 के बीच शाम का। और प्लेस? कटनी मध्य प्रदेश। जी क्या सवाल है आपका? मेरी राशि कौन सी है जी, और मेरा फ्यूचर कैसा है जी? बिल्कुल। और मेरी मैरिज कब तक होगी और अरेंज होगी या लव जी? जी बिल्कुल बता देते हैं जयश्री जी, आपकी जो राशि है वो कन्या राशि है और सप्तम भाव की ही जिसमें दशा चल रही है बृहस्पति में, बृहस्पति की शादी का समय पीरियड आपका 25 अक्टूबर 2015 से शुरू हो चुका है, ये 8 जून 2016 तक हर हाल में कहीं ना कहीं आपकी बात बन जाएगी। लेकिन आपको बता दें आने वाले भविष्य के अंदर आपको कर्म क्या करना है ऐसा कि आगे भविष्य के अंदर आपको किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी होगी ही होगी, इसके निमित्त आपको उपाय करना है। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करना है और छोटी कंजका जो होती है उनको लेखन सामग्री का दान अवश्य करना है जी। आगे हम आपको बताएंगे वो तीसरा कर्म कौन सा है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा आपके जीवन में और उससे कैसे बचना है, क्या उपाय होना चाहिए, विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1,000 रकम का DD किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर सर्वे नंबर 311/18 जनसेवा बैंक के सामने न्यू DP रोड ससानी नगर हड़पसर पुणे।
4128, ईमेल kisancoop@gmail.com। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और महिलाओं के सम्मान के लिए आपसे हम में एक खास प्रयोग हम बताने वाले हैं जिसे अपनाने से 24 घंटे आप सम्मानित होती हैं और उत्साह से भर जाती हैं। लेकिन उससे पहले अब हम आपको बताते हैं तीसरा वो कौन सा कर्म है जो आपको पतन की राह पर ले जाएगा और कैसे उस कर्म को सुधारे आप, आइए जान लेते हैं कौन सा है वो तीसरा कर्म। बिल्कुल कंचन जी, किसी न किसी व्यक्ति ने ऐसा कर्म जरूर किया होगा कि किशोरावस्था में किसी न किसी बालक को धोखा अवश्य दिया होगा। जब आप किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ ऐसा विश्वासघात करते हैं, तो आप उसके मन को पीड़ा बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। या फिर ऐसे कर्म से आपको बचना है, कर भी दिया है तो उसका प्रायश्चित करिएगा। ये किस कर्म, इस कर्म को आप किन ग्रहों की युति के कारण कर जाते हैं ये भी आप जान लीजिए। कुंडली में यदि शुक्र, चंद्रमा और बुध अगर पीड़ित अवस्था में हो, ये ग्रह छठे, आठवें या फिर बारहवें घर में आपके बैठ गए हो, 6-8-12 का संबंध ये बनाएं, तो ऐसा इंसान कोई ना कोई गलत कर्म कर ही जाता है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आप इसकी राह पर, नेक राह पर आइएगा, क्योंकि इसमें उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। आप सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखिएगा और स्वयं को व्यस्त भी रखिएगा, क्योंकि मन इधर उधर ना भटके, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बुधवार सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लीजिएगा मित्रों। और साथ ही साथ एक नारियल और 2 लौंग आप माता जी के चरणों में भेंट करिएगा, देखिएगा कैसे आपका मन पे कंट्रोल हो जाता है और माँ भगवती की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। जी हाँ, और चलिए अब आप सभी के सभी अंक ज्योतिष के अनुसार ले लीजिए वो नंबर जिसे रखना है आप सभी को सबसे सीक्रेट। मित्रों, मूलांक अनुसार अपने सीक्रेट नंबर को नोट करिएगा, एग्जामिनेशन टाइम है, इसका भरपूर आपको फायदा उठाना है। तो आज मूलांक 1 वाले नोट करेंगे 100 नंबर को और मूलांक 2 वाले नोट करने वाले हैं आज 18 नंबर को। मूलांक 3 की बारी आ चुकी है 12 नंबर और मूलांक 4 नोट करने वाले हैं आज 81 नंबर यानी कि 81 नंबर को। मूलांक 5 वाले नोट करें 32 यानी कि 32 नंबर को और मूलांक 6 आज नोट करने वाले हैं 60 यानी कि 60 नंबर को। मूलांक 7 वो भी नोट कर लें अपने मूलांक अनुसार सीक्रेट नंबर, 16 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। और मूलांक 8 नोट करें 7 नंबर को। आखिरी मूलांक, मूलांक 9 आज उनका बहुत विशेष रहेगा नंबर, नंबर 1। हर कार्य में ये अव्वल रहने वाले हैं, लेकिन सभी बंधुओं को इसका आज तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आज आपने एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर इसको लाल चंदन या सफेद चंदन द्वारा लिखना है और उसके बाद अपने पास रख लेना है, भरपूर फायदा उठाइएगा मित्रों। और वेरी नेक्स्ट डे इसको किसी पीपल या किसी वट वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिएगा। जी, जबलपुर से विवेक जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो, राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे भैया। पंडित जी, 1 जुलाई 1980। जी जी, 10:30 जी, समय बताएं। 10:30 जबलपुर जी। ये सुबह का है भैया कि शाम का? सुबह का जी। जी, और प्लेस जबलपुर जी। क्या सवाल है आपका पंडित जी? मैं वैवाहिक जीवन कैसा है, खराब है, और दूसरा पैसा नहीं बैठ पाता मेरे पास। जी देखिए भैया, सिंह लग्न का आपका जन्मांक और बृहस्पति और शनि की युति आपके लग्न के अंदर, बृहस्पति में शुक्र की अंतरदशा, शुक्र यहां पर भैया आपको बताएं दशमेश है लेकिन अपनी ही राशि के अंदर दशम भाव में है, मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है लेकिन द्वितीयेश यानी कि जो धन स्थान का स्वामी है वह भाव में राहु के साथ। सबसे पहले तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाइएगा और हो सके तो मां सप्तशती यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप आरंभ करिएगा और
एक बात आपको और बता दें, विवाह के अंदर या वैवाहिक जीवन के अंदर यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। इसके निमित्त आप किसी मंदिर के अंदर जाइएगा और वहां पर गुलाबी वस्त्र जो है आपको माता जी को अर्पण करने हैं। बस एक बार ये उपाय करिएगा, लाभ अवश्य होगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करने की। आपसे है हम में जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, हर महिला का अधिकार है, वो चाहेंगी पाना सम्मान हर किसी से, अपने परिवार में, आस पड़ोस से, हर किसी से। तो वाकई आप पा सकती हैं, वो भी पूरे 24 घंटे। लेकिन इसके लिए करना है आपको एक खास प्रयोग। आपसे हैं हम में हमने आपको वादा किया था कि आज हम आपको ऐसा सटीक उपाय देने वाले हैं कि आप हर जगह सम्मानित होने वाली। हमने अपना वादा पूरा किया है। इसके निमित्त आप उपाय जानिएगा। एक तांबे का आपको छोटा सा पात्र लेना है, ये लोटा भी आप ले सकती हैं, उसमें जल भरिएगा और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालिएगा, भगवान सूर्य को अर्पण करिएगा, अर्घ्य दीजिएगा। इसके निमित्त आप जाप भी कर सकती हैं, ओम सूर्याय नमः भी बोल सकती हैं। यदि आप ना बोलें तो भी कोई बात नहीं, भगवान सूर्य आपकी भावना को भली बातें जानते हैं। इस उपाय को दोहराते रहिएगा, हर जगह आप सम्मानित होंगी। बिल्कुल। दुबई से ललिता जुड़ी हैं। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ, मुझे बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख क्या है? 22/7/2000। जी समय? समय सुबह के 5:30 बजे। और प्लेस? प्लेस औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता मैम, लास्ट ईयर वो फेल हुआ था 9th स्टैंडर्ड को, इस साल भी उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। नहीं यहाँ तो इनको खास उपाय दीजिए, पढ़ाई में मन भी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बता दें कि इनका पंचमेश जो है मंगल, यहाँ कर्क लग्न का इनका जन्मांक बन जाता है, आप जान लीजिएगा। और इनका पंचमेश जो मंगल है वो राहु के साथ लग्न के अंदर, ये खराब योग बन जाता है। लेकिन बुध की स्थिति, सूर्य बुध और शुक्र की स्थिति इनके द्वितीय भाव में, थोड़ा सा अपने बालक पर आप कंट्रोल भी रखिएगा, चंद्रमा में बुध की अंतरदशा है। इनको करना क्या है, मां सरस्वती की आराधना कराइएगा, कम से कम 5 पुष्प हर बुधवार को मां सरस्वती को ओम एम सरस्वती नमः कहते हुए अर्पण कराइएगा। जब भी आपका बालक पढ़े तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि उसका जो मुख है स्टडी करते समय हमेशा उत्तर या फिर पूर्व के मध्य रहे, इस उपाय को जरूर अपनाइएगा। जी हाँ, तो ये तो उपाय आपको बताए गए हैं, उस पर आप अमल कीजिए, लाभ आपको जरूर होने वाला है। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है, kaltu.30pm@liveindia.tv हमारे शो की मेल आईडी है। और एक मेल भी हमारे पास आई हुई है, अंशु इनका नाम है, 9 फरवरी 85 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 3:30 AM भोपाल। इनका कहना है 14-15 मार्च को जो है इनका MPPSC का एग्जाम है, क्या ये सिलेक्ट हो पाएंगे, उसमें अच्छे से कर पाएंगे, और क्या सरकारी नौकरी के योग हैं इनकी कुंडली में? जी देखिए, सबसे पहले अंशु जी को बता दें, यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग, सूर्य बुध और बृहस्पति का योग इनके द्वितीय भाव में और चंद्रमा इनका दशम भाव में, यहाँ बहुत ही अच्छा संयोग इनका बन जाता है। मेहनत बिल्कुल करिएगा, लेकिन राहु में सूर्य की अंतरदशा होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा, घबराइएगा नहीं, भगवान सूर्य की आराधना करिएगा और हो सके तो 1:15 से 7:15 रत्ती तक का माणिक्य अवश्य धारण करिएगा। जी कोलकाता से हमारे साथ विवेक जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार, मैं आपके प्रोग्राम का रेगुलर दर्शक हूँ और मुझे प्रोग्राम ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत जी धन्यवाद। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था फोन लगाने को, लेकिन लग नहीं रहा था, और क्योंकि सुबह में मेरी ऑफिस रहती है और अभी मैं खाने के लिए लौटा तो अभी लगाने के लिए कोशिश किया तो अभी लगा, बात हो रही है। बाकी लकी है आप विवेक जी, बताए आप किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाह रहा था मैम, मैं अपना स्थान परिवर्तन और कुछ जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, रेल में, तो मैं आपसे संभावना जानना चाह रहा था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1976। हाँ जी, 9 मई 1976। जी जी, समय है सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे स्थान गया जी।
जी बताएं। जी देखिए भैया, आपको बता दें स्थान परिवर्तन से संबंधित आपने यहाँ पे हमसे प्रश्न किया है। अक्टूबर 2016 के बाद ऐसा होना आपके साथ बिल्कुल संभव है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको तुलसी दल लेना है, भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पण करना है। इसको आप हर एकादशी को दोहराते जाइएगा। अपने स्थानांतरण यानी कि जो अपना ट्रांसफर है उससे संबंधित आप एक प्रश्न करिएगा उनसे, और एक इस जो प्रश्न को एक कागज पर लिख के वो भी पीले शाही से लिखिएगा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। लेकिन जो ये आपने प्रार्थना उनके चरणों में रखनी है तो तुलसी दल के द्वारा ही उसके ऊपर रखकर ही आपने इसको रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य जाप करिएगा, जितना संभव हो सके उतना करिएगा। जी हाँ, और इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाल आप हमें आप दीजिए इजाजत और देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आओ भैया। पानी छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है? भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान।
यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग,